गुड मॉर्निंग सेकंड क्लास। आज हम ईवीएस में चैप्टर 5 पढ़ेंगे। कल हमने 4 पढ़ा था और आई होप आपने होमवर्क कर लिया होगा, है ना। अब आज हमारा चैप्टर 5 कौन सा है? चैप्टर 5 है वाटर। वाटर यानी होता है पानी। हम किसके बारे में पढ़ेंगे? पानी। आपको ये तो पता ही है कि पानी हमें कहाँ से मिलता है? मेन सोर्स पानी का जो है वो रेन, बारिश, है ना। बाकी पानी हमारे घरों में कहाँ से आता है? तालाब होते हैं, नदियों से, है ना, समुद्र से। वाटर इज ऑल अराउंड अस, हमारे चारों ओर क्या है? पानी है। इट इज इन आवर बॉडी, हमारे शरीर के अंदर भी है। इट इज इन आवर होम, हमारे घर के अंदर भी है। इट इज इन रिवर, कहा? नदियों में, लेक, झीलों में, ओशन एंड पॉन्ड, समुद्रों में और तालाबों में। वाटर इज ए प्रेशियस क्रॉप गॉड एंड इट इज वेरी एसेंशियल फॉर ऑल द लिविंग थिंग्स। वाटर इज ए प्रेशियस गिफ्ट, यानी यह महत्वपूर्ण अनमोल, पानी जो है किसका? भगवान द्वारा दिया, गॉड द्वारा या भगवान द्वारा दिए, वो हमारा एक अनमोल गिफ्ट है। इट इज ए वेरी एसेंशियल फॉर द ऑल लिविंग थिंग्स, और यह सभी जीवित प्राणियों के लिए एक महत्वपूर्ण पार्ट है। यानी हमारे जो शरीर की, मतलब हमारे प्रतिदिन हमें, है ना, पानी की बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है, तो यह हमारा एक महत्वपूर्ण भाग है। बिना पानी के हम नहीं रह सकते। ह्यूमन बींग नीड वाटर। अब मानव जीवन को कहाँ कहाँ पानी की आवश्यकता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ऑल द लिविंग थिंग्स नीड वाटर, सभी जीवित प्राणियों को पानी की आवश्यकता है। Human beings need water for washing, cleaning, bathing, drinking, etc. Human beings यानी मानव जीवन को पानी की कहाँ आवश्यकता है? Washing यानी कपड़े धोने में, cleaning यानी सफाई करने में, bathing यानी नहाने में, और drinking यानी पीने में, etc. आदि कार्यों में मानव जीवन को, मतलब व्यक्ति को पानी की आवश्यकता होती है। Plants need water। अब पेड़ पौधों को पानी की कहाँ जरूरत होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। प्लांट्स नीड वाटर टू ग्रो एंड मेक देयर फूड। प्लांट्स नीड यानी पेड़ पौधे जो होते हैं उनको बढ़ने के लिए और खाना बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? पानी की। दे मेक देयर फूड विद द हेल्प ऑफ वाटर। द मेक देयर, और वो पानी जो है उनका खाना बनाने में उनकी मदद करता है। एयर एंड सनलाइट, और हवा और सूरज की किरणें भी पेड़ पौधों का भोजन बनाने में उनका मदद करता है। वाटर हेल्प अस द सीड टू ग्रो इनटू प्लांट। वाटर, पानी जो होता है सीड को, बीज को क्या करता है? गला के फिर एक पौधे को बनाने में, और मतलब पेड़ों के लिए इस तरह से काम आता है। इफ दे आर नॉट वाटर्ड दे विल ड्रॉप अप एंड ड्राई। अगर उनको पानी नहीं मिलता है तो वो क्या होगा? सूख जाएंगे और मुरझा जाएंगे। फिर एनिमल्स नीड वाटर। अब जानवरों को पानी की कहाँ आवश्यकता होती है? एनिमल्स नीड वाटर। एनिमल्स नीड वाटर टू ड्रिंक एंड टू लिव। एनिमल्स यानी जानवरों को पानी की आवश्यकता किसके लिए? जिंदा और रहने के लिए, पीने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। सम एनिमल्स लिव इन वाटर ओनली। कुछ एनिमल्स पानी के अंदर भी, मतलब पानी से ही जीवित रहते हैं। जैसे मछली है तो पानी के अंदर जीवित रहती है, उसको बाहर निकालने में हम मर जाती है। एनिमल्स लाइक फिश, ऑक्टोपस, व्हेल, शार्क, डॉल्फिन एंड मैनी मोर लिव इन वाटर। पानी के अंदर कौन कौन रहता है? फिश, ऑक्टोपस, व्हेल, शार्क, ये सारे मछलियों के अलग अलग प्रकार है, यानी सारी मछलियां ही। एंड मैनी मोर लिव इन वाटर, और बहुत सारे जानवर जो पानी के अंदर रहते हैं। वाटर इज देयर होम, दे कैन नॉट लिव विदाउट इट। पानी जो है उनका घर है और वो पानी के बिना जीवित नहीं रह सकते। वाटर थ्री फॉर्म्स। अब वाटर के थ्री फॉर्म्स है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, है ना। वाटर के प्रकार, आई मीन फॉर्म्स होता है प्रकार, कितने? थ्री। वाटर इज इन लिक्विड फॉर्म बट कैन चेंज टू सॉलिड। आइस ऑन कूलिंग एंड टर्न इनटू स्टीम, गैस, वेपरस व्हेन हीटेड। पानी जो होता है पहले क्या होता है? लिक्विड होता है। वाटर इज लिक्विड, सबसे पहला लिक्विड में क्या होगा? पानी जो हम पीते हैं। कैन चेंज टू सॉलिड, फिर जो है ना सॉलिड में चेंज हो जाता है, तो वो क्या होगा? आइस बर्फ, एक सॉलिड टाइप जैसे पत्थर टाइप बन जाता है ना। एंड
टर्न स्ट्रोम स्टीम, यानी फिर उसको बंद मतलब गर्म करते, तो आपने है ना भाप को उड़ते हुए देखा होगा, जब भी चाय बनाते तो पानी दूध के अंदर पानी होता है, या फिर आप पानी को भी गर्म करते तो उसको है ना धुएं के साथ में उड़ते देखा ना, वो भाप उड़ते वो पानी होता है। तो गैस पैन हैटेड, और जब गर्म करने के बाद वो भाप बनकर उड़ जाता है। तो पानी के कितने प्रकार है, थ्री टाइप में पानी होता है। अब सोर्स ऑफ वाटर, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, कब पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। हमने लेक्चर फर्स्ट में इतना पढ़ा, तो वो आप एक बार रीडिंग करें और फिर हम लेक्चर टू में इसके आगे का लेसन पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।